आज हम जलप्रपात पढ़ेंगे। क्या जलप्रपात? भारत के प्रमुख प्रमुख झरने यानी कि वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल्स भारत के प्रमुख झरने यानी कि वाटरफॉल्स। मेघालय, मेघालय में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मेघालय में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मेघालय में नोह कलिकाई जलप्रपात, नोह कलिकाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश की पानी की वजह से बनता है। यह बारिश की पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। नोहंस गथियांग जलप्रपात, नोहंस गथियांग जलप्रपात। इसे सात सिस्टम फॉल्स के नाम से भी इसे सात सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे सात सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। नोट, लिंग सियांग और बिसाप और हाथी जलप्रपात। लिंग लिंग सियांग बिसाप बिसप और हाथी जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। मेघालय में लिंग सियांग बिसप हाथी जलप्रपात और फिर नोह कलिकाई जलप्रपात और एक होसंग नोहंस गथियांग जलप्रपात। मेघालय में नोह कलिकाई जलप्रपात, नोहंस गथियांग जलप्रपात, लिंग सियांग जलप्रपात, बिशप जलप्रपात और हाथी जलप्रपात स्थित है। नोह कलिकाई जलप्रपात, यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास मेघालय में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश की पानी की वजह से बनता है। यह बारिश की पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। नोहंस गथियांग जलप्रपात, इसे सात सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह मेघालय के पास खासी हिल्स जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। और कौन कौन से जलप्रपात है मेघालय में? लिंग सियांग बिसप हाथी जलप्रपात मेघालय में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। कहाँ? नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है तथा यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरकंटक से
7 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है कपिल धारा जलप्रपात। यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। कपिल धारा जलप्रपात, यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है तथा यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। धुआंधार जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। धुआंधार जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। और कपिल धारा जलप्रपात, यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है तथा यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के जलप्रपात में चाचाई जलप्रपात, क्या चाचाई चा चाई जलप्रपात चा चाई जलप्रपात चा चाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, कहाँ पर? बीहड़ नदी पर। चाचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जलप्रपात में चाचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर, बीहड़ नदी पर चाचाई जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक में कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह वराही नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुए थे जिसकी स्थापना 1902 में हुए थे। इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। जोग जलप्रपात यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। जोग जलप्रपात यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। इसे इसे जेरसप
जेरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 235 मीटर है। इसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है। इसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है। नोट, गोकक जलप्रपात घट प्रभा नदी पर, गोकक जलप्रपात घट प्रभा नदी पर, मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, बरकाना, बरकाना सीता नदी पर, बरकाना सीता नदी पर, बरकाना सीता नदी पर, मागोड जलप्रपात, मागोड, मागोड जलप्रपात, मागोड जलप्रपात बेड़ती नदी, मागोड जलप्रपात बेड़ती, बेड़ती नदी, बेड़ती नदी जल तथा हेब्बे जलप्रपात, क्या है, हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित जलप्रपात जिसको चिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, गोर जोग जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, फिर है गोकक जलप्रपात जो प्रभा नदी, जो घट प्रभा नदी पर, मेकेदातु जलप्रपात जो कावेरी नदी पर, बरकाना सीता नदी पर, मागोड जलप्रपात बेड़ती नदी पर तथा हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जैसे कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो है यह भारत में सबसे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर। यह वराही नदी पर स्थित है। यह वराही नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। वराही वराही शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में, यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत है। गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में, जिसकी स्थापना 1902 में हुए थे। इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। फिर इसमें यह जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात सरावती नदी पर बना है। जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात सरावती नदी पर बना है। इसे इसे जेरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसे जेरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 235 मीटर है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। गोकक जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में घट प्रभा नदी पर, कौन सा, घट प्रभा नदी पर। मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, बरकाना सीता नदी पर, मागोड जलप्रपात बेड़ती नदी पर तथा हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है। राजस्थान,
क्या है? राजस्थान, राजस्थान में जलप्रपात, राजस्थान में जलप्रपात, राजस्थान में जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात। यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। भीमलाट जलप्रपात ये सब कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। भीमलाट जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। गेपरानाथ कोटा में, राजस्थान के कोटा में स्थित है। गेपरानाथ जलप्रपात। फिर है पदाझार महादेव कहाँ पर? बूंदी में, राजस्थान के बूंदी में भी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान चूलिया जलप्रपात कहाँ पर? राजस्थान में। या राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल चंबल नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। 18 मीटर है। भीमलाट जलप्रपात कहाँ पर है? भीमलाट जलप्रपात राजस्थान। भीमलाट जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान। यह जलप्रपात मंगली नदी पर बूंदी बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। मंगली नदी पर बूंदी और मंगली नदी पर बूंदी और मंगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। गेपरानाथ जलप्रपात और पद्माझार महादेव राजस्थान में स्थित है। गेपरानाथ कोटा में, पद्माझार महादेव बूंदी में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। महाराष्ट्र का जलप्रपात, महाराष्ट्र में कौन कौन से जलप्रपात हैं? अंबोली जलप्रपात, थोसे घर जलप्रपात, कूने कूने जलप्रपात, पांडव कड़ा जलप्रपात। महाराष्ट्र में लोनावाला व खंडाला के बीच स्थित है। महाराष्ट्र में पुणे जलप्रपात, पांडव कड़ा जलप्रपात, महाराष्ट्र में लोनावाला व खंडाला के बीच स्थित है। लोनावाला या वह खंडाला के बीच स्थित है। महाराष्ट्र में अंबोली जलप्रपात, महाराष्ट्र में अंबोली जलप्रपात। यह जलप्रपात हरण केसी नहीं, यह जलप्रपात हिरण केसी नदी पर स्थित है। अंबोली जलप्रपात यह जलप्रपात हिरण केसी नदी पर स्थित है। थोसे घर जलप्रपात यह जलप्रपात सतारा शहर में तरली नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात सतारा शहर में तरली नदी पर स्थित है।
पांडव कड़ा जलप्रपात महाराष्ट्र में लोनावाला व खंडाला, लोनावाला व खंडाला के बीच स्थित है। तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात, तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात यह पायकारा नदी पर बनता है। तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात, तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात यह पायकारा नदी पर बनता है। होगेन कल्लर जलप्रपात कावेरी नदी पर, होगेन कल्लर जलप्रपात कावेरी नदी पर। बेयर सोला थलायार जलप्रपात मंझालार नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। होगेन कल्लल जलप्रपात कावेरी नदी पर। बेयर सोला फिना थलाय थलायार जलप्रपात मंझालार नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है।